होकर युवक जला है। आर्थिक तंगी से ये युवक परेशान था। युवक के जलने का वीडियो वायरल हुआ है। युवक की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेल बाजार के मीरपुर कैंट का ये पूरा मामला है। दुकानपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से युवक ने खुद को आग लगाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से झोला छाप डॉक्टर के बेटे ने आग लगाई है, जिसके बाद धू धू कर ये युवक जला है। जानकारी के मुताबिक आर्थिक तंगी से ये परेशान था, जिसके बाद इसने खुद को जलाने का प्रयास किया है। गंभीर हालत में इसे एडमिट कराया गया है और युवक के जलने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो कानपुर की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक युवक किस तरह से आर्थिक तंगी से परेशान था, उसके बाद उसने आत्मदाह की कोशिश की है, उसके जलने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। क्लिनिक के बाहर ही धू धू कर किस तरह से एक युवक जल रहा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इधर ताबड़तोड़ हत्याओं से राजधानी दिल्ली अलकनंदा अपार्टमेंट में बीटेक छात्र की हत्या हुई है। बीबीटी के बीटेक छात्र की चाकू मारकर हत्या की गई है। इनोवा के शीशे तोड़कर छात्र की हत्या की गई है। हत्या की वारदात देखकर गार्ड फरार हो गया। मृतक बीटेक छात्र का नाम प्रशांत सिंह बताया जा रहा है। लखनऊ में लूट के बाद हत्या का ये मामला है। कमला पसंद गुटखा एजेंसी में भी आज वारदात हुई थी। 5 बदमाशों ने लूट के दौरान हत्या की थी। गुटखा एजेंसी में काफी कैश का पैसा था। लूटी गई रकम का अभी अनुमान नहीं लग सका है। बदमाशों ने घुसते ही गोली मारी थी। लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लखनऊ के रकाबगंज इलाके में वारदात ये सामने आई थी और ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। गोमती नगर में जिस तरह से बीटेक के छात्र की हत्या की गई थी, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोमती नगर में हत्या की ये तस्वीरें हैं। बीटेक छात्र प्रशांत के जिस तरह से शीशा तोड़कर हत्या की गई थी, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लखनऊ की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से बीटेक के छात्र की गोली मारकर हत्या की गई है। गोमती नगर में यह हत्या हुई थी। अलकनंदा अपार्टमेंट का यह पूरा मामला है, जहां पर बीटेक का ये छात्र प्रशांत, इसका नाम बताया जा रहा है, इसकी हत्या की गई है। शीशे तोड़कर किस तरह से हत्या की गई है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोमती नगर में हत्या की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पे जैसे आया गेट पर रोका, गेट पर हॉर्न बजाया, तो उसने जो है बैरियल खोला। जैसे ही अंदर हुई 10-12 लड़के जो है घेर लीन, घेरने के बाद मारना शुरू कर दी, हमें निकाल के इधर मारी, उसके बाद उसके चाकू वाकू मार मार दे, वो भागा इधर, इधर आके गिर गया था। कितने लोग थे ये? कम से कम 12-15 लोग थे। हम भैया न परेशान को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं, न उन लोगों को जानते हैं। दिन का पार्ट है, हम लोग जस्ट मौके पे, आप लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, हम पूछताछ कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट कहाँ के थे सर ये? कुछ बीबीडी के थे, कहीं तैयारी कर रहे थे दूसरे कॉलेज में प्रोफेशन करने के लिए, और 2-4 अलग अलग लड़के हैं। ये क्या कर रहे थे सर? मैं तक क्या कर रहे थे घटना में शामिल? घटना में शामिल जो है इनकी 4-5 लोग की बात चल रही है, लेकिन जैसे कि मैं बताऊँ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फुटेज वगैरह जैसे हमें नहीं मिल जाएगा, बस बस ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा क्लियर तरीके। इधर लखनऊ में मर्डर के बाद सीपी का एक्शन भी देखने को मिला है। चौक लूट मर्डर कांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। कमिश्नर सुजीत पांडे ने कार्रवाई की है। यायागंज चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। रकाबगंज चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। 2 सिपाहियों को सीपी ने सस्पेंड किया है। लापरवाही पर कमिश्नर ने सस्पेंड किया है। किसी हाल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये बात भी कही है। खुलासे के लिए 6 टीमों का गठन कर दिया गया है। इधर गोंडा में समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। चकबंदी विभाग में घुसखोरी के मामले में घुसखोर लेखपाल और पेशकार को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। प्रवीण सिंह की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। खसरा खतौनी बनाने के नाम पर रिश्वत ली जा रही थी। तो गोंडा में भारत समाचार की खबर का असर हुआ है। खसरा खतौनी बनाने के नाम पर रिश्वत ली जा रही थी, लेकिन अब कार्रवाई भी हुई है। आगरा से खबर है, जहां पर आवारा पशुओं के आतंक के मामले में किशोर के हाथ का पंजा अलग हुआ था। बंदरों के झुंड ने बच्चे पर हमला किया था। आतंक का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। थाना कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सांड का आतंक किस तरह से यहां पर देखने को मिला है। आगरा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बुरी तरह घसीटते हुए यहां पर गौवंश दिख रहा है।
इधर उत्तर प्रदेश मराठी समाज की तरफ से भव्य विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मराठी समाज के लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा चौक चौराहे से लखनऊ विश्वविद्यालय तक निकाली गई। रास्ते में कई जगहों पर लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत भी किया। मराठी समाज की तरफ से निकाली गई शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में शोभा यात्रा पहुंचने पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण भी किया। तो तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के मालवीय प्रौद्योगिकी के कार्यक्रम में सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि संस्थानों के आदर्श महत्वपूर्ण होते हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी अच्छी सोच की उपस्थिति है। लखनऊ के रकाबगंज इलाके के कमला पसंद एजेंसी में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने कर्मचारी को गोली मार दी, जिससे कर्मचारी की मौत हो गई। राजधानी लखनऊ में हत्या की दूसरी बड़ी वारदात सामने आई। अलकनंदा अपार्टमेंट में बीबीडी के बीटेक छात्र की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। नवा के शीशे तोड़कर छात्र की हत्या की गई। हरदोई जिले के शहर कोतवाली इलाके में एक ऑटो चालक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर एक यात्री से मारपीट की और 25,000 रुपए भी लूट लिए। सूचना मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। सहारनपुर जिले में महाशिवरात्रि पर्व पर शिव मंदिरों में जलाभिषेक और श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों को देखने के लिए सीओ फर्स्ट रजनीश कुमार उपाध्याय ने भूतेश्वर मंदिर का मुआयना किया। संभल में व्यापारी से लूट पर बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से 1,04,000 की नकदी, एक बाइक और अवैध हथियार भी बरामद किए। कौशाम्बी जिले में पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने बेरोजगार को रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 4 दिन तक चलने वाले ढिशुम भोजपुरी आईपीएल क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। गुरुवार को पहले मैच में भोजपुरी जवान वर्सेस योद्धा के बीच मैच खेला गया। भोजपुरी टीम को चेयर करने के लिए मैच में भोजपुरी एक्ट्रेस भी मौजूद। कानपुर देहात के अकबरपुर के 12 टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की लापरवाही से जाम लगा, जाम में फंसी इमरजेंसी में जा रही एम्बुलेंस। बाराबंकी जिले के विख्यात लोधेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। दूर दूर से कांवड़िए शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। शिवरात्रि पर महादेवा मेले को लेकर प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए। सहारनपुर जिले के थाना देवबंद क्षेत्र के काली नदी के पास बाइक सवार दंपति खाई में गिरे, हादसे में पत्नी की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला के परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया। कानपुर में गंगा किनारे बना शहर का सुप्रसिद्ध प्राचीन आनंदेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारियां पूरी कर ली गई। आधी रात में भक्तों की लंबी लाइन लगने लगेगी, जिसको लेकर मंदिर प्रशासन ने पहले से ही मंदिर परिसर से लेकर बाहर कॉरिडोर तक बाकायदा बैरिकेडिंग कर दी। मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर थाना पुलिस ने बीती रात हुई लूट का खुलासा करते हुए मुठभेड़ में 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक एसयूवी कार, 2 चाकू, 2 तमंचे और मोबाइल फोन बरामद किया। गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा के सरकारी खर्च पर निजी आवास वाले प्रस्ताव को नगर निगम बोर्ड की बैठक ने खारिज कर दिया। इसमें मेयर आशा शर्मा की ओर से लिया गया 1,06,64 रुपए का किराए के मकान का खर्च निगम नहीं बल्कि उन्हें खुद उठाना पड़ेगा। मथुरा में सोशल साइट फेसबुक के जरिए हुई दोस्ती पर एक महिला कोलकाता से युवक से मिलने आई। 3 दिन तक युवक के साथ रहने के बाद नशीला पदार्थ देकर युवक फरार हो गया। स्टेशन पर महिला को देख जीआरपी ने वुमेन हेल्पलाइन को सौंपा। कानपुर में सीसामऊ के विधायक हुए गुमशुदा, जनता ने विधायक की तलाश की शुरू। चमनगंज के भंडानापुरवा में गुमशुदा विधायक की तलाश जोरों से। प्रयागराज में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी, बदमाश व्यापारी से नकदी ज्वेलरी कर लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया। फरुखाबाद में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया, जहां पुलिस ने शिकायत करने गई महिला को लोहिया भेजने के आदेश दिए और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए एम्बुलेंस में बैठाया। आगरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में आवारा पशुओं ने 13 वर्षीय मासूम बच्चे को मार दिया, जिसका लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मेरठ के रालोद नेता के घर पर तोड़फोड़ के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बाइक टकराने को लेकर आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने फायरिंग की। ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद।
कानपुर देहात के केंद्रीय विद्यालय में छात्रों के झगड़े में चला चाकू, दो छात्रों की हालत गंभीर, परिजनों ने 10 दबंगों पर केस दर्ज कराया। निर्भया मामले में दोषी विनय की फांसी से बचने की पैतरेबाजी, विनय ने दीवार पर सिर मारकर किया खुद को घायल, सभी दोषियों को 3 मार्च को फांसी दी जानी है। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर क्षेत्र में रोड पर खड़े ट्रक को अपना निशाना बनाया, खड़ी गाड़ी के चोरों टायर चोरी कर ले गए, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर के जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में एक युवक गद्दे उतरवाने के लिए किशोरी को छत पर अपने कमरे में ले गया और वहां रेप की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। बुलंदशहर के डिबाई थाना क्षेत्र के कसेर कला में कांवड़ियों से भरी पिकअप बचाने में ट्रक पलट गया, ट्रक पलटने से हड़कंप मच गया। कानपुर देहात में भारत समाचार की खबर का असर हुआ, खबर चलने के बाद जिला प्रशासन जागा, मौके पर पहुंचकर बिना परमिशन हो रहे भीम आर्मी के धरने को खत्म कराया, धरने के आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। गोरखपुर के कैंट क्षेत्र के सिंघड़िया में पुलिस ने चेकिंग के दौरान हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही एक राइफल और कारतूस भी बरामद किया। शाहजहांपुर पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने जेल में अचानक छापेमारी की, छापेमारी में जेल के अंदर कैदी अस्पताल के बिस्तर पर मौज करते पकड़े गए, जिसके बाद जेल के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी गई।